अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं फिर से ले आई हूँ द राज पार्सल अनबॉक्सिंग की वीडियो। चलते हैं पार्सल को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं जी हमें जो पार्सल हैं वो कैसे रिसीव हुए हैं। तो ये जी हमारे पास कुछ पार्सल हैं, इनको अनबॉक्स करेंगे। और इसके अलावा जी दो तीन पार्सल जो कि काफ़ी बिग साइज़ के थे उन्हें मैंने पहले से ही अनबॉक्स कर लिया है, उनकी भी वीडियो इसी वीडियो में मैं अटैच कर दूंगी। ठीक है, तो चलते हैं अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं जी वन बाय वन कि हमें पार्सल कैसे रिसीव हुए हैं। सबसे पहले जी इस पार्सल को करते हैं कट। ये जी मैंने एक रग मंगवाया था, उसकी पिक्चर मैं आपको साथ अटैच कर देती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था लेकिन मिस्टेक आई थिंक मेरी है, उन्होंने लिखा था 40x40 cm और मेरी मैथ इतनी कमज़ोर है, मुझे cm और mm में फ़र्क करना पता ही नहीं चला। और पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बड़ा दिखाया हुआ था, लेकिन ये उन लोगों की गलती है कि अगर छोटा है तो छोटा दिखाएँ, क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी यानी कि पिक्चर दिखाने की। फुल बेड के साइज़ का है ये रग, ये वो इस तरह वाला ना, तो मुझे ये चीज़ इन लोगों की अच्छी नहीं लगी। आप लोग भी एहतियात करिएगा, अगर कोई चीज इन्होंने राइटिंग में लिखी हो उस चीज को आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आपने मंगवाना है। ठीक है, जैसे मेरे साथ ये एक तरह से स्कैम हुआ, मैंने इसके जो रिव्यू है ना वहां पे जाके कमेंट में देखा, उन लोगों ने सब ने यही उन लोगों को कहा हुआ था कि आपने दिखा के भरा और आपने दिया छोटा है, ये हमारे साथ स्कैम किया है ये वो ना। तो ये महंगा भी बहुत था, 2000 का ये मिला था, तो आपको पता 2000 का इतना छोटा सा हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा महंगा है। जो लोग लेते हैं उन लोगों के लिए महंगा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए और जैसे हम जैसे लोकल लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये महंगा है 2000 रुपये में इतना सा 40x40 का ना। एक फुट का तकरीबन ये है, एक फुट कुछ ऊपर है इंचज वगैरह ना, तो बहुत छोटा है ये। मुझे लगा तो बहुत अच्छा है, स्टफ भी अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत फ्लफी फ्लफी सा लग रहा है, लेकिन ना अगर पैसों की तरफ देखा जाए तो ये अच्छा नहीं है। बाकी पार्सल की अनबॉक्सिंग करते हैं। पार्सल दूसरी तरफ खड़े मेरे पे हंस रहे हैं कि क्या मंगवाया था, क्या आ गया। ओके जी, ये सेकंड है जी, जो मैंने ब्रेसलेट को बनाने के लिए ये मंगवाया है, क्योंकि मुझे हैंड्स पे पहनने वाली ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे पास एक दो थी लेकिन वो गुम हो गई, तो मैंने ये मंगवाया। आप देखते हैं जी, ये इस तरीके से ना प्लास्टिक टाइप है, बना के फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है जी 347 में, काफ़ी महंगा दिया है इन्होंने, बहुत महंगा दिया ये तो, इस लिहाज से ये बहुत महंगा है। ओके जी, उसके बाद जी अब बात करते हैं इस वाले पार्सल की, इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाओ, इट्स माय फेवरेट, ये मैंने मंगवाए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वुडन स्पून। ये रेमेडीज वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इससे नूडल्स वगैरह खा के देखेंगे, मुझे आता नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे कैसे खाते हैं इससे, इसलिए मैंने ये मंगवाया कि अब हम भी कोरियन बन जाएंगे। ओके, ये बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, और इसका जो वुडन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और सही स्मूथ है, कहीं से भी यानी कि ऐसा नहीं है कि गंदा गंदा लगे, बहुत अच्छी है। अच्छा, इसकी कीमत तो बताई मैंने आपको। ओके जी, इसकी कीमत जो है वो है 665 का। ये तीन चीज़ें मिली है, काफ़ी अच्छी है, 200 रुपए की हमें मिल गई है। ओके जी, उसके बाद जी ये है, ये देखते हैं अनबॉक्स करके जी ये क्या है। ओके जी, ये ग्लूबर टोन मैंने मंगवाई है, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये, मैंने सोचा चले मैं भी इसके ऊपर रिव्यू दूंगी, तो नताशा वकास ने ये रिकमेंड किया, चले देखेंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद इस पर रिव्यू देखे कि ये कैसा रिजल्ट हमें देती है। अब जो नेक्स्ट पार्सल है जो कि मैं पहले से अनबॉक्स कर चुकी थी, क्योंकि मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा डर था कि ये टूट ना गए हों। ये बहुत ही खूबसूरत है, मल्टी शेड में है, और प्राइस इसकी जी हमें जो रिसीव हुए हैं ये हुए हैं जी हमें 489 में। ये हमें 6 कैंडल्स मिले थे 489 में, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन साइज इनका काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और खूबसूरत भी हैं। ओके, इस तरीके से हम इनको अनबॉक्स कर लेंगे।
देखिए ये देखिए कितनी खूबसूरत है, मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी, कितनी ज़्यादा क्यूट है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ओके जी, इनको भी करते हैं साइड पे, लेकिन इसके अंदर डाल के कहीं ये ना हो के हाथ लगे और ये बेचारे टूट जाएं। बहुत ही प्यारी मल्टी शेड के और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये रैपर। इनको ये रैपर जो है वो संभाल के रखूँगी ताकि इसके अंदर वापस से वैसे ही मैं इसे पैक करूँ। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो पार्सल है वो हमें रिसीव हुआ है 280 में। अब इसको भी देखते हैं जी। ये मैंने मंगवाई थी, जब मैं ब्रेसलेट बनाऊंगी तो ये हुक मुझे काम आएंगे, तो ये भी बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं। तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 ब्रेसलेट आराम से बन जाएंगे इसमें। अब जी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ये हमें रिसीव हुआ है जी 478 में। वाओ, 478 में काफ़ी ज़्यादा रिंग्स हमें मिल गई हैं। वाह वाह वाह, काफ़ी ज़्यादा रिंग्स हमें मिल गई हैं और बड़ी खूबसूरत भी हैं। पहनते हैं इनको, उतारते हैं और इसको पहनते हैं। ओके जी, मैंने ये पहन लिया है और काफ़ी ज़्यादा ये रिंग्स और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। इसको कर लेते हैं साइड पे। फैसल जी, रिंगो वाली सरकार बन गई मैं, रिंगो वाली सरकार। ये मंगवाई है? हाँ, रिंगो वाली। और ये भी है ये, तो ये कर लेंगे फिर बात। क्या खैरियत? हाँ, वो बस मेरी से। ओके जी, उसके बाद ही नेक्स्ट पार्सल ये है। इसकी डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और आपको जी मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी इसके बारे में चल गया होगा पता कि मैंने किस तरह इसको यूज़ किया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और थोड़ा सा क्लिप मैं इसका ऐड कर देती हूँ वीडियो में। ये वाला जो गैजेट है ये कुछ इस तरीके से यूज़ होता है। और इंशाल्लाह कमिंग सून तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट मैंने दर्रा से बाय किए हैं उनके शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे, उनको यूज़ करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी तमाम वीडियो। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है और इस तरह यूज़ होता है। अब जी बारी है इस पार्सल की, जिसका जी मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और मेरी मोस्ट फेवरेट लिस्ट में था ये। और देखते हैं और किस तरह का मिला है। ओह माय गॉड, ये है वो फ्लावर्स। ये है कितने पीस आए हमें, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 10 पीस हैं। 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 पीस हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। फैसल जी देखे कितने प्यारे हैं ना यार, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ओके जी, बाकी जो वीडियो है वो भी आप देख लीजिएगा। ओके जी, मैं दर्रा से रिसीव हो चुका है ये वाला पार्सल भी और काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉक्स है। जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स और दिखाती हूँ आपको कि क्या हमें मिला है। तो वेट एंड वॉच। और बिल आपके सामने है और ज़्यादा लिया है इन्होंने 1400। ओके जी, तो बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है, हमें रिसीव हुआ है ये स्टोरेज टेबल। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे आप कुछ भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं, बुक्स वगैरह रख लें, आप अपनी जाय नमाज रख लें या कोई भी फ्लावर्स वगैरह भी आप रख सकते हैं इसके अंदर। और ये जो टेबल है ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसकी शीट जो है वो भी बहुत कमाल की है, बहुत स्मूथ है, अच्छी फिनिशिंग में है ये। और अभी आपको पता है जब चीज़ बाहर से आती है थोड़ी बहुत गंदी तो होती है, ये देखिए मेरे हाथ गंदे हो गए तो, लेकिन अच्छा है ये। इस टेबल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी, और क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और अच्छा लगा है मुझे। मैंने बेड पे ही इसे अनबॉक्स कर दिया, गंद वगैरह बेड पे ही गिर गया और अच्छा है यार, नॉट बैड, बहुत अच्छा है ये टेबल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये जो मैट मैंने मंगवाया था वो भी मैंने इसके ऊपर रख दिया और लुक देख सकते हैं आप इसकी कितनी अट्रैक्टिव आ रही है। और ये इसका नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, अच्छा है ये।
जी उसके बाद आती है बारी इस रग की जो कि मैंने मंगवाया था दराज से, अनबॉक्सिंग वाली वीडियो इसकी आई डोंट नो कहाँ चली गई है, डिलीट हो गई है या कुछ भी ऐसा ना, तो कुछ चीज़ों को मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है और बहुत ही ज़्यादा, बस ना पूछो क्या बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ये कि मैंने ये भी वीडियोस के लिए मंगवाया था, अब काफ़ी दिनों से ये अनबॉक्स हुआ पड़ा था लेकिन इसके जो क्लिप थे वो मेरे से डिलीट हो गए और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा है और साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं अपने, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेड से नीचे उतरते ही लोग बिछाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। इस तरीके से अगर आप पाँव रखते हैं ना इसके ऊपर, बहुत ही मज़े का फैसल। इसे कह रहे थे ये दुम्बे की खाल है, मैंने कहा ज़ाहिर पता है दुम्बे की खाल ही है जनाब ये। और ये जी उन्होंने तमाम इसके पीछे डिटेल दी हुई है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है। इसकी भी यानी कि पिक्चर्स वगैरह तमाम डिटेल आपके साथ मैं वीडियो में अटैच कर दूँगी क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये किस में आया था या इसका प्राइस इसकी क्या है या कुछ भी ना, इसका क्लिप वगैरह सब कुछ डिलीट हो चुके हैं लेकिन मैं इंशाल्लाह देख के मैं आपको बता दूंगी। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है, अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके बाय कर लीजिएगा। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ अब आप हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।